नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओम इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसा सर्किट बनाने वाला हूँ जिससे आपके घर में यूज़ होने वाले एलईडी बल्ब, जी हाँ दोस्तों, एलईडी बल्ब बहुत लंबे समय तक चलेंगे और इनका उड़ने का या इनके ख़राब होने का जो डर है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले, वीडियो में जो लोग नए हैं उन्हें आप सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों, हम होल्डर होल्डर की कैप को खोल लेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों। और इसके बाद में जो कैपेसिटर का एक तार है, एक साइड का तार है, वो होल्डर के इस पॉइंट पे हम लगा देंगे दोस्तों। उससे पहले हम कैपेसिटर के तारों को कैप के अंदर से डालेंगे ताकि हमें वापस इसका लॉक लगाने में आसानी होए दोस्तों। ये चीज़ आप भूल मत जाना। तो जो कैपेसिटर का एक तार है दोस्तों, उसको हम होल्डर के एक पॉइंट पे लगा देंगे आराम से। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये जो स्क्रू है अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों, हम एक तार का टुकड़ा लेंगे। उस तार के टुकड़ों को भी हम कैप के अंदर डाल के होल्डर के जो दूसरे पॉइंट है उस पे हम लगा देंगे दोस्तों। और उससे पहले जो कैपेसिटर का दूसरा तार है, उससे हम एक तार के टुकड़े से हम जॉइंट कर देंगे दोस्तों। जॉइंट करने के बाद में जो एक तार का टुकड़ा बचा है, बचता है, उसे हम होल्डर के दूसरे पॉइंट में लगा देंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से देखिए। दोस्तों, जो हमारे तार है उस पे हम अब टेप लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट का डर ना रहे दोस्तों। और इसे हम आसानी पूर्वक आसानी से इसे वापस ढक्कन लगा के पिक कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा ये सर्किट बन के लगभग अब तैयार हो चुका है। अब इस तार में एक पिन लगा देंगे, टू पिन दोस्तों। एलईडी बल्ब लगाने के बाद में अब हमारा जो सर्किट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बारी आती है टेस्टिंग की दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दोस्तों। ये दबाओ, जो सर्किट है ये बड़े बड़े मॉल और शोरूम में इसी तकनीक से लगाए जाते हैं ताकि एलईडी बल्ब खराब ना हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये 220 वोल्टेज पूरी से चल रहा है, आप देख सकते हो। अब आपको मैं इसके वोल्टेज दिखा देता हूँ दोस्तों, कितने वोल्टेज है। 260 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, एलईडी अब कैपेसिटर लगाने के बाद में हमें ये पता चलता है कि दोस्तों, जो ये एलईडी बल्ब है ये कितने वोल्टेज लेगा। जितना इसको वोल्टेज लगा कैपेसिटर अपना जो कंडेंसर है फैन का, वो उसे उतने ही वोल्टेज देगा ताकि ये ख़राब ना हो। लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं दोस्तों, तो डाउन में अप में ये ख़राब नहीं होगा दोस्तों। इसको एक निश्चित मात्रा में वोल्टेज मिलते रहेंगे दोस्तों। कैपेसिटर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, आप देख सकते हैं वोल्टेज बिल्कुल डाउन है कैपेसिटर लगाने के बाद में। देखिए दोस्तों, बिल्कुल डाउन है वोल्टेज। ये सारा असर कैपेसिटर लगाने के बाद में ही होता है दोस्तों।